हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज आप देख ही पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ऑटो साइकिल। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑटो साइकिल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है और उस नाम से ही उसको क्यों जाना जाता है। सेकेंड बात, ऑटो साइकिल कहाँ यूज की जाती है। थर्ड, एफिशिएंसी का डेरिवेशन कैसे किया जाता है बहुत ही छोटे कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। फोर्थ वन, अगर हम देखें कि एफिशिएंसी कैसे हम उसकी कैलकुलेट कर पाते हैं, कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं और कौन कौन सी प्रोसेसेस यहां पे यूज ऑटो साइकिल के अंदर यूज की जाती है, वो सारे चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑटो साइकिल। और आपको एक बात बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चाहे गेट एग्जाम अगर आपने दे रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं यहीं से न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है, चाहे वो एक नंबर का हो चाहे वो दो नंबर का हो। तो मैं आपके सामने न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा, वो देखिएगा कैसे हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है, इट इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल, इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब बात करते हैं इसको कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों आप एक चीज देख पा रहे हैं, जितने भी हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल जब हम पढ़ते हैं आईसी इंजन की, आईसी इंजन के अंदर, आईसी इंजन के अंदर जितनी भी साइकिल हम पढ़ेंगे, ऑटो, डीजल और ड्यूअल, ये जितनी भी साइकिल हैं ऑल आर एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल मीन्स एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड फॉर द एनालिसिस ऑफ दीज साइकिल्स। ठीक है, तो दैट मीन जब भी हम ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूअल साइकिल की जब हम भी बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं दोस्तों, क्या, एक हीट रिजेक्शन जो आप देख पा रहे हैं और एक होता है हीट सप्लाई। तो इन तीनों साइकिल के अंदर जो हीट रिजेक्शन जो है इज ऑलवेज अकर्स एट, दैट मीन्स हम बात करें हीट रिजेक्शन हमेशा किस पर होगी, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर। तो अगर हम ये देखें और तीनों ही साइकिल के अंदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है वो सब सेम है, दैट मीन्स एक प्रोसेस हो गई डिफरेंट, वो क्या, हीट सप्लाई। दैट मीन्स अगर हीट सप्लाई कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। और इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल किसने बनाई थी, उनका नाम था सर जेम्स ऑटो, दैट मीन्स इट इज अ ऑटो साइकिल। दैट्स व्हाई इस साइकिल को क्या बोला गया, ऑटो साइकिल, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट मीन्स ऑटो साइकिल। अगर हम बात करते हैं हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो दोस्तों ये क्या हो जाती है, इज द डीजल साइकिल। अब कहते हैं इसको डीजल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो बनाई थी सर रेडोल्फ डीजल ने बनाई थी, दैट्स व्हाई इट इज अ डीजल साइकिल। तो दैट मीन्स जो डिफरेंट चीज है इन साइकिल के अंदर वो क्या है, इट इज द हीट सप्लाई। बाकी तीन प्रोसेस क्या है, आपको हर साइकिल के अंदर दोस्तों क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल, बिकॉज इफ द हीट इज supplied at constant volume, then the cycle is known as constant volume cycle. Clear है? Okay. अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो process है वो कौन कौन सी ली जाती है। तो constant volume auto cycle जो है दोस्तों, auto cycle के अंदर चार process हम consider करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आप देख पा रहे हो दो adiabatic हैं और दो constant volume है। ठीक है, तो that means इसके अंदर कौन कौन सी दो process हो गई, टू एडियाबैटिक और टू
कांस्टेंट वॉल्यूम। कई बार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू एडियाबेटिक और टू कांस्टेंट वॉल्यूम, आपके सामने हमने लिखा हुआ है, क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, दैट मींस प्रोसेस कौन कौन सी है। सबसे पहले 1-2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2-3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, एंड 3-4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड 4-1 इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये प्रोसेस है। अब हमें प्रोसेस जो पता चल गई है दोस्तों, तो अब इनका हम पीवी और टीएस डायग्राम बनाएंगे। और आप ध्यान से देखिएगा पीवी टीएस डायग्राम मैं कैसे बनाता हूं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यूमेरिकल थ्योरी, जो भी क्वेश्चन पूछी जाती है, पीवी और टीएस डायग्राम से ही पूछी जाती है। अगर कोई एसएससी जेई का जो बंदा है अगर प्रिपेयर कर रहा है, तो मेंस में यहीं से डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी। तो दोनों चीजें देखिएगा मैं कैसे बताता हूं, ठीक है। तो अब हम यहां देख पा रहे हैं क्या, मैंने यहां पीवी और टीएस डायग्राम बना रखे। पीवी मींस इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी। तो हम देख पा रहे हैं 1-2 जो हमारा प्रोसेस, 1-2 जो हमारी प्रोसेस थी वो कौन सी थी दोस्तों, यहां देखिएगा, इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो मैंने बनाया इज 1-2 इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2-3 हमारी जो प्रोसेस थी वो कौन सी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, देन 2-3 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। 3-4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो देन 3-4 इज द एक्सपेंशन, एंड 4-1 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। जो हमने बनाया है इज 4-1, और मैंने आपको दिखाया भी है इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम 2-3 सप्लाई एंड 4-1 इज द रिजेक्शन। तो दैट मींस अगर मैं ये चीज देखता हूं दोस्तों, ये जो चीज है और ये जो चीज है, दैट मींस ये जो प्रोसेस हो जाती है वो कौन सी प्रोसेस है, इज एडियाबेटिक, ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्लियर है। और ये दोनों ही प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्लियर दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास टीएस डायग्राम है, 2-3 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, 4-1 कांस्टेंट, दैट मींस ये अगर कहते हैं तो ये हमारा एक्सपेंशन है और ये हमारा क्या है, कंप्रेशन है। और अगर मैं एक चीज बोलूं दोस्तों, यहां अगर मैं एक मिरर लगा देता हूं, यहां अगर हम एक मिरर लगा देते हैं, तो दैट मींस इसकी मिरर इमेज ये बन रही है। तो दैट मींस आप एक याद कर लीजिएगा, पीवी डायग्राम इसकी मिरर इमेज दूसरी बन जाएगी, टीएस डायग्राम इसका मिरर इमेज हो जाएगी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी का डेरिवेशन। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज द डब्ल्यू नेट या वर्क आउटपुट अपॉन में हीट सप्लाइड, ठीक है। तो वर्क आउटपुट जो डब्ल्यू नेट है उसको हम लिख सकते हैं, इट इज द क्यू एस माइनस में QR divided by QS, तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस 1 QR divided by QS, क्लियर है। अब देखिए दैट इज द हीट रिजेक्शन एंड हीट सप्लाई, दैट मीन्स हीट सप्लाई की मैं बात करूं कौन सी, किस पर हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो हीट रिजेक्शन है दोस्तों वो भी किस पर हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है तो हम जानते हैं द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, एमसीवी डेल्टा टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, एमसीवी डेल्टा टी। तो यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा टी मीन्स इज T3 माइनस T2, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा इज एमसीवी, देर इज अ T4 माइनस T1, एमसीवी इज अ T4 माइनस T1 हम कह देंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को बचा दोस्तों, यहां जब यहां पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एमसीवी T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय MCV T3 माइनस T2। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब मेरा कैंसिल हो गया तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2, इस T3 माइनस T2। और जब इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से मेरे पास दोस्तों जो एफिशिएंसी है, वो निकल के क्या आ जाती है, इज द 1 - 1/r इज गामा माइनस 1, इज 1 - 1/r गामा माइनस 1 हम इसको बोल देंगे। और दैट मीन्स हम कह सकते हैं सर r इज व्हाट, दैट मीन्स अगर हम ये देखें सर r क्या है यहां, तो एफिशिएंसी है जो ऑटो साइकिल की आपके सामने जो है, हमारे सामने क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। दैट मीन्स अगर बात करें r इज व्हाट, R इज द कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो हम दोस्तों क्या लिखते हैं, पीछे देख पढ़ के आए, अगर आप मेरा पहले वीडियो नहीं देखा हो तो पहला वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। एंड गामा इज व्हाट, इज द एडियाबेटिक इंडेक्स, इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल,
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट जो फेवरेट पार्ट है हमारा इस वीडियो का जो आपके सामने है, इट इज द की पॉइंट्स। तो दोस्तों की पॉइंट्स यहां देखिएगा, हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो जो की पॉइंट्स है, हमने एफिशिएंसी देखी है ऑटो साइकिल की, इट इज व्हाट, इट इज आर, वन माइनस आर गामा माइनस वन। आर आपको पता है, इट इज अ कंप्रेशन रेशियो। गामा इज व्हाट, इज एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, अब एक चीज बोलना चाहता हूं, यहां मैंने लिखा द ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन सी प्रोसेस रखती है, बोलो सर दो एडियाबेटिक और दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑटो साइकिल बनती है। ठीक है, अब देखिए ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, बोलो सर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्या बोला जाता है, इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्लियर है। अब एक चीज देखिए दोस्तों, अगर मैं एफिशिएंसी के अंदर ऑटो साइकिल के अंदर अगर आर, आर मींस कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज अगर करता हूं, तो आप मुझे बताइए एफिशिएंसी क्या करेगी। दोस्तों एफिशिएंसी इंक्रीज डिक्रीज, शाबाश, इज एफिशिएंसी इंक्रीज। और अगर गामा को इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी देन इंक्रीज। अगर आपको नहीं है तो अभी यहां करके देख लीजिएगा, अगर यहां देखते हैं वन माइनस वन ओवर टू, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, देयर इज 1.5। और यहां देखे वन माइनस वन ओवर थ्री, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, इज 0.67। तो बस ये बात है, क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ऐसे ही हम इसको जब पुट करके देखेंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो हमने लिखे हैं एक दो तीन, दिस मींस वन इज टू इज थ्री इज फोर फाइव, ये जो पॉइंट है हमारे, दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरआरबी जेई के अंदर मैं बोलना चाहता हूं, इन पांच पॉइंट के अंदर से कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर है। अब आपको छोटी सी एक बात बताता हूं यहां से, अब एक चीज देखिएगा, जब हमने ये चीज देखी गामा, जब हमने ये चीज देखी गामा, तो गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। और एक और चीज बोला जाता है इसको, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, इज द सीपी माइनस, इज द सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। और जब ये रेशियो हम देखते हैं तो गामा आपको तीन चीज, गामा की वैल्यू आपको अलग अलग पता है, दैट मींस इट इज द गामा की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो दोस्तों गामा की वैल्यू तीन वैल्यू आती है, दैट मींस इट इज 1.67 इज 1.4 एंड दैट मींस 1.33 आती है, बिल्कुल सर आती है। तो जब हम कह सकते हैं गामा की वैल्यू 1.67 फॉर किसके लिए, इज अ मोनो एटॉमिक, 1.4 डायएटॉमिक एंड 1.33 इज पॉली एटॉमिक। तो आप देख पा रहे हैं गामा अगर बढ़ रहा है तो दैट मींस 1.4 एंड दैट इज 1.33। और अगर मैं दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं थोड़ा बता गया, इफ एफिशिएंसी के अंदर जो एफिशिएंसी की टर्म है उसके अंदर इफ आर इज इक्वल्स टू वन अगर मैं पुट करता हूं, अगर यहां पे मैं आर वन पुट करता हूं तो मेरी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो मैं बोल सकता हूं एफिशिएंसी इज जीरो। तो यही चीज मैंने एफिशिएंसी और आर के अंदर एक डायग्राम बनाया है, एक्सप्रेशन दोनों के अंदर कर्व बनाना चाहूं तो देखिए, अगर वन वैल्यू पुट करता एफिशिएंसी जीरो, और देन अगर आर फिर मैं इंक्रीज करता तो एफिशिएंसी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। तो ये हमने कुछ एफिशिएंसी के आपको बताया। आई होप सो गाइज आपने वीडियो को एंजॉय किया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।